हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्टी जोन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, IDBI एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है। तो इसके बारे में जो सिलेबस था और जो इसकी नोटिफिकेशन थी वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। अगर यहाँ पे बात करें इसके सभी डाउट्स की, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पे कमेंट किया है, बहुत सारे सवाल है आपके मन में, तो सारे सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको इसके एग्जाम डेट और एग्जाम लेवल के बारे में भी बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देती हूँ कि इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी। तो जैसा कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देखा होगा, यहाँ पे जो वैकेंसी है वो स्टेट वाइज नहीं दिया गया है। तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो ऑल इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है, जहाँ पे भी इसके ब्रांचेज है आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर यहाँ पे बात करें एग्जाम सेंटर की, आपको एग्जाम सेंटर कहाँ पे मिलेगा, क्या आपके स्टेट में आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा, तो इसके लिए यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में एग्जाम सेंटर मेंशन किए गए हैं वहीं पे आपका सेंटर रहेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एग्जाम सेंटर के बारे में आपको मेंशन किया गया है, इसी जगहों पे आपका सेंटर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर जो है वो लिमिटेड है। तो हो सकता है कि आपके स्टेट में आपको सेंटर ना मिले, तो आप यहाँ पे चेक कर लेना, यहाँ पे जो सेंटर मेंशन किया गया है वहीं पे आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। उसके बाद लोगों का सवाल ये था कि क्या हम लोग इसमें ज्वाइन करने के बाद बीच में ही जॉब छोड़ सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब है हाँ, आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी नोटिफिकेशन में कोई भी बॉन्ड नहीं बताया गया है कि आपको इतने साल का बॉन्ड साइन कराया जाएगा। तो अगर आप इसमें ज्वाइन कर लेते हो और आपकी जॉब कहीं और लग जाती है, किसी और बैंक में या फिर गवर्नमेंट बैंक में ही, तो आप इस जॉब को बिल्कुल छोड़ सकते हो। ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लियर है, लेकिन अगर आपकी ज्वाइनिंग लेटर आती है उसमें कोई बॉन्ड के बारे में मेंशन किया होता है, तब आप उसको पढ़ के साइन करोगे, तो ये आपकी डाउट क्लियर होगी। उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा है कि क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब क्या है, ये बैंक जो है वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। तो अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो IDBI जो है वो प्राइवेट सेक्टर में आता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिन बैंक को प्राइवेट किया था उसमें सबसे ऊपर लिस्ट में नाम IDBI का है। तो अभी के टाइम पे देखा जाए तो ये बैंक जो है वो प्राइवेट में आती है। उसके बाद आप लोगों का सवाल ये था कि क्या 3 साल बाद आप लोगों को इस जॉब से निकाल दिया जाएगा, या फिर आप उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे कि नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा, यहाँ पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को बताया गया है। तो पहले आपका 1 साल का जॉब रहेगा, उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा आपके कॉन्ट्रैक्ट को, और ऐसे ही करके 2 और साल एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी कि टोटल 3 साल आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। तो 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा कि आप यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो इस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए, प्रमोशन के लिए। तो वहाँ पे आपको सिंपली प्रमोशन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। 3 साल बाद आपके एक इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर जाते हो तो IDBI में आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हो। तो 3 साल बाद आप यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो प्रमोशन के लिए, आपको एग्ज़ाम देना होगा, और अगर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर जाते हो तो आपकी पोस्टिंग जो है वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे हो जाएगी। तो ये बहुत सारे लोगों का सवाल था, तो इस सवाल का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल था कि इसका एग्ज़ाम लेवल क्या होगा। तो इसका एग्ज़ाम लेवल होगा जैसे कि SBI जूनियर एसोसिएट प्री का जो एग्ज़ाम लेवल था, वही इसका एग्ज़ाम लेवल होगा। अगर आपने SBI जूनियर एसोसिएट प्री का तैयारी किया होगा तो उसी के बेसिस पे आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो, और अगर आपने SBI जूनियर एसोसिएट का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप इसके लिए अलग से भी तैयारी कर सकते हो। तैयारी करने के लिए आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। और जिन्होंने SBI जूनियर एसोसिएट प्री का कोर्स लिया था वो लोग उसी कोर्स से तैयारी कर सकते हैं, उनको अलग से कोर्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने नहीं लिया है वो लोग यहाँ पर लेके तैयारी कर सकते हैं। अगर बात करें इसके एग्ज़ाम डेट की, तो जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, इसका एग्ज़ाम जो है वो 5 सितंबर 2021 को बताया गया है। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल टाइमली हो जाए, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो 5 सितंबर 2021 को ही हो जाएगा। तो ये थे आपके सभी डाउट सेशन। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।